महिंद्रा हॉलीडेज। जी जी महिंद्रा हॉलीडेज सर, लास्ट शो में भी मैंने आपसे बात किया था, लास्ट फ्राइडे को जब हम शो कर रहे थे उस समय में महिंद्रा हॉलीडेज किसी ने क्वेश्चन किया था। उस दिन मैं नॉर्मली जो है वो लेमन ट्री और बाकी जो मैंने ये बताया था कि होटल स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट महिंद्रा हॉलीडेज को मैं लास्ट फ्राइडे को कुछ दिन के लिए छोड़ने बोला था, बट अब मुझे लग रहा है महिंद्रा हॉलीडेज में इंटर करने का टाइम आ गया है। 221-22 का लेवल चल रहा है, नीचे का लेवल जो है, नीचे का सपोर्ट जो है बहुत जबरदस्त सपोर्ट, ये ऑलमोस्ट 208 से लेकर 211 के बीच में बहुत जबरदस्त सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं इसको अक्टूबर तक का टारगेट ले रहा हूँ, जो कि दिवाली का टाइम है, अक्टूबर तक का टारगेट अगर मैं ले रहा हूँ तो अक्टूबर तक में मुझे ये 261 रुपए दिख रहा है। सो 221 से 261 ऑलमोस्ट जो है करीबन करीबन 40 पॉइंट का है, और अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो वो मेरे पास आ रहा है करीबन आपका 10 से 12 पॉइंट 15 पॉइंट का। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा रहा है, फेवर्स कर रहे हैं, स्टार्स फेवर कर रहे हैं, नंबर्स फेवर कर रहे हैं। सो इसको अक्टूबर के टारगेट के लिए आप इसके अंदर बाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा सेंटीमेंट भी फेवर कर रहा है क्योंकि सब लोग इस समय ट्रेवल के मूड में हैं और एक तरीके का रिवेंज ट्रेवल जैसा भी चल रहा है, बल्कि जबकि वो बहुत दूर हो चुका है कि लॉकडाउन तो बहुत पहले था और अनलॉक बहुत समय से हो चुका है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं भरे बैठे हैं जैसे कि घूमने जाना है। और आप भी अभी छुट्टी मना करके आए हैं नितिन जी, तो आपने भी बताया था कि बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये समय ही चल रहा है छुट्टी मनाने का, तो उनके लिए भी है, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी छुट्टी मनाने के उसमें मूड में, वो सबका फायदा MHRIL महिंद्रा हॉलीडेज रिजॉर्ट को मिल रहा है। प्लस उसका जो बिजनेस मॉडल है फंडामेंटल्स के हिसाब से, अगर मैं वो एक एड ऑन कर दूं वो जानकारी भी, तो वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको पैसे बड़े लगाने नहीं पड़ते हैं, एसेट अपने पास से नहीं डेवलप करना पड़ता है क्योंकि उसका पैसा वो कंज्यूमर से पहले से ले चुका होता है। तो ये प्रीपेड टाइप का मॉडल चलता है जहाँ पे आपसे मेंबरशिप ले ली जाती है साल भर की या कई सालों की, और उसके बाद उस साल के अंदर में आप कई बार छुट्टियां मना सकते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, यानी कि पैसा उनको पहले मिल चुका होता है, जो पैसा उन्हें एसेट बनाने के लिए लगाना है वो भी वो कंज्यूमर से ले चुके होते हैं। तो वो सारी चीजों का भी फायदा कंपैरेटिवली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में इनके पास एक एज होता है, एडवांटेज होता है। बढ़िया, ऐसा एक अच्छी पिक MHRIL, बढ़िया।